नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज़। फटाफट खबरों में एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि आज की क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार का हुआ सर्जरी। सर्जरी के बाद भी शरद पवार ने अपना कामकाज रखा जारी। हॉस्पिटल के बेड पर बैठे बैठे राज्य में कोरोना की स्थिति का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को किया फोन। प्रधानमंत्री ने सामना के संपादक रश्मि ठाकरे की तबियत का जाना हाल। रश्मि ठाकरे का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज चल रहा है। मनसुख हिरेन केस में एनआईए की टीम ने एक और ऑडी को किया जब्त। वसई से किया गया कार को बरामद। बहुत समय से एनआईए इसकी जांच में जुटी हुई थी। इस प्रकरण में कार का इस्तेमाल कैसे किया गया और इस कार का तार कहां तक जुड़ा है, इसकी तहकीकात में एनआईए जुटी हुई। एक अप्रैल यानी कि गुरुवार से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का होगा टीकाकरण। कोरोना के प्रसार पर ब्रेक लगाने के लिए टीकाकरण अभियान की गति को बढ़ाया गया। बढ़ते कोरोना के रोकथाम के लिए मुंबई पालिका ने लिया बड़ा निर्णय। 1 अप्रैल से सुबह के 7 से दोपहर के 2 बजे तक, वहीं दोपहर के 2 बजे से रात के 9 बजे तक टीकाकरण अभियान को चलाया जाएगा। मुंबई पालिका के 10 केंद्रों पर यह अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह अन्य खबरों के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।